1980 से 2003 तक तकरीबन 40 लाख अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान में दाखिल हुए और यहीं सेटल हो गए। और इन 43 इयर्स में अफगानिस्तान दुनिया की दो सुपर पावर्स अमेरिका और रशिया को शिकस्त देता है और पाकिस्तान से भी अपने ताल्लुकात खराब कर लेता है, जिसकी वजह से 1.7 मिलियन अफगानियों को 1 नवंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने का कहा जाता है। 100,000 refugees have returned home to Afghanistan from Pakistan. Our top focus at this hour, Pakistan's November 1st deadline for the expulsion of undocumented migrants. Hukumat nahi bolti hai, hum sari zindagi nahi jaate. '78 में जब सुपर पावर की रेस में आगे निकलने के लिए यूएसएसआर यानी के सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान इन्वेजन का सोचा तो अमेरिका को फिक्र होने लगी, क्योंकि यूएसएसआर के तमाम समुद्रों का पानी ठंडा होने की वजह से फ्रीज ही रहता था। इसलिए इस इन्वेजन का मकसद अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान और फिर उसके बाद समुद्र पर कब्जा करना था, ताकि सारी दुनिया तक कंट्रोल हो सके। इस जंग को गर्म पानी की जंग भी कहा जाता है। पाकिस्तान ये सब देखकर परेशान हो गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अफगानिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, असल टारगेट तो हम ही हैं। यहाँ यूएसए अपनी सुपर पावर की कुर्सी पर कब्जा होता देख रहा था, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि यूएसएसआर दुनिया की सुपर पावर बने। इसलिए यूएसए ने पाकिस्तान और सऊदी अरब को साथ मिलाया। अमेरिका ने सऊदी और पाकिस्तान को ऑफर दी कि डॉलर की फिक्र मत करो, बस रशिया अपने मकसद में कामयाब न हो सके। सऊदीया से फतवा दिलवाया गया कि अफगानिस्तान में जिहाद के लिए जाएं बहुत ज्यादा सवाब है। इसके बाद पूरे मिडिल ईस्ट से लोग अफगानिस्तान में जिहाद पर जाने के लिए पाकिस्तान पहुँचने लगे। पाकिस्तानी एजेंसीज उन्हें ट्रेनिंग देती और अफगानिस्तान पहुंचाती। इसी दौरान बहुत सारे सिविलियंस, तकरीबन 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज अफगानिस्तान में जंगी हालात की वजह से पाकिस्तान दाखिल हो जाते हैं। पाकिस्तान ने तमाम अफगानियों को वेलकम कहा और पाकिस्तान में एडजस्ट होने दिया, क्योंकि फंडिंग जो अमेरिका दे रहा था। इसके बाद जब यूएसएसआर अपनी नाकामी को लेकर अफगानिस्तान से निकला तो अमेरिका ने भी तमाम फंडिंग्स बंद कर दी। इस वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मगर बर्दाश्त किया, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, एक ब्रदरहुड कायम था। इसके बाद 9/11 का वाकया होता है, जिसकी वजह से अमेरिका अफगानिस्तान पर अटैक कर देता है और ये वॉर तकरीबन 20 साल तक जारी रहती और आखिरकार अमेरिका को भी रशिया की तरह शिकस्त का सामना करना पड़ता है। और इस पीरियड के दौरान यानी कि 1980 से 2017 तक लाखों की तादाद में अफगानी पाकिस्तान आए। अब पाकिस्तान अफगानियों के साथ ताल्लुकात और उनके हालात देखते हुए तमाम मुहाजिरों को पनाह दे रहा था, लेकिन यहाँ एक पॉलिटिक्स भी चल रही थी, जिसकी वजह से आज 1.7 मिलियन अफगानियों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। असल में सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब 9/11 के बाद उसामा बिन लादेन, मौला उमर और अफगानिस्तान के अलकायदा के साथ ताल्लुकात निकले और अलकायदा की उनको सपोर्ट भी हासिल थी, तो अमेरिका ने अफगानिस्तान में एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस शुरू कर दिए, जिसमें पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की। और ये बात भी अफगानिस्तान के जहन में बैठ गई कि पाकिस्तान ने यूएसए का साथ क्यों दिया। इसके अलावा जिन तालिबान को पाकिस्तान ने रशिया के खिलाफ जिहाद के लिए ट्रेनिंग दी थी, वो भी पाकिस्तान में मौजूद थे। ये तमाम पश्तून तकरीबन 12 कबीले थे जिन्होंने मिलकर एक तंजीम बनाई और अपनी तंजीम का नाम तहरीक तालिबान पाकिस्तान रखा, जो कि टीटीपी के नाम से मशहूर है। ये टीटीपी पाकिस्तान में मौजूद तालिबान ही हैं जिन्हें अफगानिस्तान से कंट्रोल किया जाता है। अब ये भी एक्टिव हो चुके थे और अब पाकिस्तान अपनी दी गई ट्रेनिंग की कीमत अदा कर रहा था। इस टीटीपी ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद 2007 में रखी गई और ये गुजरते वक्त के साथ साथ वायलेंट होते जा रहे थे। अचानक 2006-07 से बेशुमार ब्लास्ट और सुइसाइड बॉम्बिंग का सिलसिला शुरू होता है। इसी पीरियड में लाल मस्जिद का वाकया भी होता है। हालात बहुत सीरियस होते हैं और मुल्क का अमन खत्म हो चुका होता है। अफगानिस्तान शुरू से ही डुरेंड लाइन को नहीं मानता, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक बॉर्डर लाइन है। ये बात पाकिस्तान को भी परेशान करती है। अफगानिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान अमेरिका का पपेट बन चुका था और इसलिए वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुके थे। टीटीपी भी चाहती थी कि यहाँ पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो और एक इस्लामिक स्टेट बने। तमाम पश्तून इलाका, खास तौर पर सारे खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से मिलाया जाए। इन्हीं दिनों में दी ग्रेट अफगानिस्तान का नारा भी बहुत मशहूर हो चुका था, जो आज भी सोचा जाता है। अब इतना कुछ हो जाए और पाकिस्तानी एजेंसीज खामोश रहें, ये नामुमकिन है। इन सीरियस हालात के दौरान पाकिस्तानी एजेंसीज इन तमाम तालिबान तंजीमों को वार्न करती रहीं और कहीं ना कहीं एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस भी होते रहे।
मिसाल के तौर पर 2014 में जरबे अजब, लेकिन हालात बिगड़ते गए और बात आर्मी पब्लिक स्कूल तक जा पहुंची, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एपीएस पेशावर पर अटैक किया जिसमें 150 मासूम लोग मारे गए जिनकी उम्र 8 से 19 साल के दरमियान थी। इस वाकये के बाद मामला ठीक होने की उम्मीद खत्म हो गई और पाकिस्तान में तालिबान को और दहशतगर्दी को खत्म करने का काम शुरू हो गया। हजारों तालिबानों को मारा गया और गिरफ्तार किया गया। दोनों तरफ से शर्तें तय की गईं। कुछ मुआहिदे हुए ताकि पाकिस्तान का अमन बरकरार रहे। कुछ देर के लिए मसाइल हल हो गए और इसी पीरियड में 2017-18 के बाद अमेरिका थक चुका था और अफगानिस्तान से शिकस्त लेकर निकलने की तैयारी कर रहा था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद तमाम तालिबान ऑर्गेनाइजेशंस का फोकस अमेरिका पर था, लेकिन ये अमन ज्यादा देर नहीं चल सका और 2021 सितंबर में एक ब्लास्ट होता है जिससे हालात खराब हो जाते हैं। फिर 2022 में टीटीपी की तरफ से मुल्क भर में अटैक करने का ऑर्डर जारी होता है। अब यहाँ पाकिस्तान अफगानियों को संभालते संभालते तंग आ चुका था और ये पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे थे और ये सब पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। मुल्क में तकरीबन 4-5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज मौजूद थे, उनमें से लाखों बिना किसी रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन के रह रहे थे, जो कि पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, इसलिए उन्हें अफगानिस्तान जाने का कहा गया था। पाकिस्तान चाहता है कि अब अफगानिस्तान आजाद है, जंग भी खत्म हो चुकी है, यहाँ रिसोर्सेज भी शॉर्ट हैं और इकोनॉमी भी मुसलसल गिरती जा रही है। ये सब और प्रीवियस रिकॉर्ड सामने रखते हुए पाकिस्तान ने फैसला किया कि जितने भी अफगानी बिना डॉक्यूमेंटेशन के पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो कि 1.7 मिलियन बनते हैं, वो 1 नवंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ दें, वरना उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाएगा। और अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 3 लाख से ज्यादा अफगानी पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा हजारों गिरफ्तार हो चुके हैं और उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। क्या पाकिस्तान का ऐसा करना ठीक था? आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट की क्या वजह नजर आई? 1980 से 2023 तक अफगान मुहाजिरों का पाकिस्तान में रहना ठीक था या गलत? इस सारे केस में किसकी और क्या गलती थी? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं।